दारू वारू मिलता है? दारू तो ऐसे सब जगह मिलता है। शराब तो बंदी है, शराब बंदी है? दारू तो सब जगह मिलता है, 20 रुपया के 600 रुपया मिलता है, लेकिन मिलता है, मिलता है। यहाँ का विधायक है, कुछ काम वो किया है? अभी नहीं किया है कोनो काम। कब काम करेगा? अब एक साल का तो फिर चुनाव है, वो वोट के समय में आता है वोट मांगने। बाकी इधर बीच में कभी नहीं आते हैं? सर नहीं आते, नहीं आते हैं, समय से आते हैं। फिर अगले साल मतलब उम्मीद आएगा वोट मांगने की? सर अगले साल इधर उधर बिखर जाता है, जो कादो कादो हो जाता है। नाला का जगह होते हुए भी नाला नहीं बनाते हैं, कोई आदमी ध्यान नहीं देते हैं। इलेक्शन के टाइम में वोट मांगने आते हैं, उसके बाद दारू वगैरह बंद है या मिलता है? दारू तो खुलम खुला देख रहे हैं सामने। आज हम चलते हैं आपको रीगा विधानसभा की सच्चाई दिखाते हैं। एक्चुअली रीगा विधानसभा में एक झंडा का कार्यक्रम चल रहा है, उसी दौरान कुछ वहां के ग्रामीण से बात करेंगे कि यहां पे वाकई में विधायक जी काम वगैरह किए या नहीं किए। मैं बता दूं कि जैसा रीगा विधानसभा में अभी वर्तमान में जो विधायक है वो भाजपा के विधायक मोतीलाल प्रसाद है जी। तो लोगों से चलते हैं, यही पूछते हैं, यही हाल जानते हैं कि वाकई में रीगा विधानसभा में कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे और विधानसभा में विधायक जीतने के बाद एक बार फिर अगले चुनाव में ही नजर आते हैं, यहाँ भी क्या वही हाल है? सो हम जानते हैं आम पब्लिक से। हाय, मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं रॉनी टाइम्स। रॉनी टाइम्स आपका स्वागत है। एक्चुअली झंडा का समय है, मेला का समय है, तो मैं सोचा थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोग हैं, यहाँ पे बात करते हैं सरकार को लेकर। जैसे आप देख रहे हैं अभी बिहार में सरकार उथल पुथल हो रही है और एक साल बाद ही चुनाव होने वाला है। लोगों का आखिर क्या शिकायत है या दर्द है, पीड़ा है? यहाँ के विधायक कुछ काम वगैरह किए हैं कि नहीं किए हैं? सो इसी पे कुछ ग्रामीण है यहाँ पे जुटे हुए, तो थोड़ा सा बात करेंगे। और वाकई में क्या जो शराबबंदी से लोगों को फायदा है या नुकसान है, ये सारे चीज़ पे हम सारे मुद्दे पे बात करेंगे। थोड़ा आइए यहाँ ग्रामीण से ही बात करते हैं। चाचा जी क्या नाम है? राम प्रवेश मंडल। राम प्रवेश मंडल जी, पहला सवाल है जो अभी देख रहा है ये सरकार चल रही है, कुछ काम की है इस 5 साल में लगा है कि नहीं? मतलब इस 4 साल में, सॉरी। नहीं, काम कहाँ किया है, खाली पाइप लगा दिए हैं पानी का, पानी मिलता नहीं। दारू वारू मिलता है? दारू तो ऐसे सब जगह मिलता है। शराब तो बंदी है, शराब बंदी है? दारू तो सब जगह मिलता है। पक्का? पक्का। तो सरकार तो दावा करती कि शराब बंदी है, जिससे गरीबों को बहुत फायदा हुआ है। गरीब लोग कमाते हैं तो आप अपना घर में पैसा खर्च करते हैं, दारू में नहीं, शराब में, क्योंकि मिलता ही नहीं है। जी ना, 20 रुपया के 600 रुपया मिलता है, लेकिन मिलता है, मिलता है, हर जगह मिलता है। अच्छा ये बताइए, जो आप पहले दारू नहीं बंद हुआ था तब और अभी जो बंद हो गया है, तो क्या लोग जो मतलब है जो पी रहे थे पहले और अभी मतलब दारू बंद होने के बाद वाकई में वो लोग सब छोड़ दिए है कि पी ही रहा? ज्यादा पी रहा है अभी, ज्यादा पी रहा है, ज्यादा पी रहा है। तो ये चाचा जी की जुबानी सुनिए, आप देख रहे हैं। जी हाँ, जो हमारी गवर्नमेंट देख रही है तो थोड़ा सा सच्चाई है, रियलिटी ग्राउंड से है। मैं रीगा के इमली बाजार, अभी यहाँ पे झंडा का कार्यक्रम चल रहा है, मेला लगा हुआ है, कुछ ग्रामीण लोग जुटे थे, तो थोड़ा सा मैं सोचा कि राजनीति गर्म है, अभी माहौल गर्म है। जैसा कि आप देख रहे हैं इधर तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, उधर एक और पार्टी नया अभी बनने वाली है, जन सुराज पार्टी। आप जानते हैं प्रशांत किशोर को? उस सबको नहीं जानते हैं। चलिए, प्रशांत किशोर को ये लोग नहीं जानते, यहाँ के लोकल लोग नहीं जानते हैं। मैं अभी सीतामढ़ी के रीगा विधानसभा में हूँ फिलहाल। अच्छा, जो आपके यहाँ का विधायक है, कुछ काम किया है? अभी नहीं किया है कोनो काम। कब काम करेगा? अभी एक साल का तो फिर चुनाव है ना, अभी नया जीता नहीं किया। नहीं, विधायक जो यहाँ का जीता है काम थोड़ा किया करता है। अरे आपके यहाँ का विधायक कौन है मालूम है? मोतीलाल है। तो काम किया है? रीगा में नहीं करता है, झांकने में नहीं आता। अच्छा देखिए, एक चाचा जी बोल रहे थोड़ा सा। जी जी जी, हाँ क्या बोले भैया? वो वोट के समय में आता है वोट मांगने, बाकी इधर बीच में कभी नहीं आया। तो आप सोच लीजिए, ये बीजेपी के यहाँ का विधायक है मोतीलाल प्रसाद जी, जो मतलब इनका कहना है साफ कि यहाँ पे कुछ नहीं, बस जीत लेते हैं उसके बाद क्षेत्र में नहीं आते हैं। कुछ लोगों से और बात करते, क्या विधायक जी आते हैं? सर नहीं आते, नहीं आते हैं, समय से आते हैं। फिर अगले साल मतलब उम्मीद आएगा वोट मांगने की? सर अगले साल वोट मांगने। तो इनका कहना है, इनका कहना है कि अब अगले साल ही आएंगे वोट मांगने। जी हाँ। अच्छा एक जी भैया बताइए ना, कहाँ गए? अच्छा विधायक जी आते हैं कि नहीं? आपका घर कहाँ? यही है ना? हमारा घर है रीगा टोले पिपरा, द्वितीय पंचायत का निवासी हूँ। लेकिन विधायक तो यही होगा ना आपका? विधायक यही क्या है, मोतीलाल प्रसाद है। जी जी, हमारे गांव में आधा में नाला बन चुका है और नल जल वाला पानी भी लग गया है, लेकिन यहाँ तहाँ जहाँ तहाँ वहाँ जो पानी जो पाइप जो फूट गया है, पूरा गांव में पानी पानी होकर के पूरा एकदम कचरा फैल गया है। नाला भी बनाने के लिए कहते हैं तो वो सब नहीं सुनता है कोई आदमी। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत तकलीफ है हमारे गाँव में पानी का। क्या गाँव बोले है गाँव का नाम? रीगा पिपरा। रीगा पिपरा में जी, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत है। अच्छा, पानी वगैरह आता है कि नहीं? पानी हमेशा भरल रहता है, पूरा गांव में पानी है। आपके यहाँ कल उल सुखा गया कि है? ना, कल तो है, कल चल रहा है, मतलब कल चल रहा है, मोटर भी चल रहा है, वही पानी सब रोड पर इधर उधर बिखर जाता है, जो कादो कादो हो जाता है,
नाला का जगह होते हुए भी नाला नहीं बनाते हैं, कोई आदमी ध्यान नहीं देते हैं। इलेक्शन के टाइम में वोट मांगने आते हैं, उसके बाद 5 साल लापता हो जाते हैं। ढंग से कोई पहचानता भी नहीं है कि यहाँ ये मुक्तिलाल है या कोई विधायक है या कोई ये मुखिया जिला परिषद है। सबसे हम लोग कहें कि सब ऐसा ऐसा इस पर ध्यान दीजिए, फिर भी आप लोग का मौका चांस मिलेगा, जब अच्छा काम आप करेंगे तो दूसरा काहे के लिए है। लेकिन ये लोग कोई सुनते नहीं। क्या नाम बोला? मेरा नाम मुकेश कुमार है। देखिए मुकेश जी की मतलब दर्द भरी जुबानी है कि नाला का पानी इधर उधर होता है लेकिन कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है, आप समझ रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, आपके यहाँ दारू वगैरह बंद है या मिलता है? दारू तो खुलम खुला देख रहे हैं, सामने पी रहा है दारू, देखिए। अरे बाप रे, थोड़ा सा दिखाइए इधर, या देखिए देखिए सरकार इधर दूर से थोड़ा दिखाइए, दिखाइए इधर, दिखाइए दिखाइए इधर। दारू कौन होता है तो ये पीते कहाँ से लाते हैं? जी जी सर, रख दीजिए रख दीजिए। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे और बहुत गजब नजारा है, थोड़ा सा दिखाइए देखिए, एकदम गजब नजारा है, आप देख रहे हैं। रोड में भीख मांगती है और ये दारू पी के मरा जाता है। वाकई में यार ये चित्र का देखिए, ये चित्र दर्शाया गया, ये कोई कॉमेडियन और मजाकिया नहीं, इसे सबक समझने की बात है, सबक सीखने की बात है, सबक लेने की बात है। ये आचरा जिसे नहीं, ये मुंह झापी हुई है, आप देख रहे घूंघट में है और ये आंचला फहराई है। मतलब सर का कहना कि ये भीख मांग रही है और ये इधर दारू पी के टल्ली है इधर, मतलब यही दर्शाया गया है ना फोटो में, साफ आप देख रहे हैं। चीज है और हम लोग बनाए हैं इनको। अच्छा अच्छा, दिखाने के लिए रियलिटी है, रियलिटी है, ये रियलिटी है और यही चीज दिखा। मतलब कि मतलब दारू मतलब कहावत है कि दिखता मतलब कहीं नहीं है, बिकता हर जगह है, हर जगह, हर जगह वो दिखता नहीं। जो लोग जो जो सरकारें अगर दारू की दवा करती कि नहीं मिलती है, ये है टाइट है, आप आंख खोल के इस वीडियो को देखिए, आपको रियलिटी और सच्चाई पता चल जाएगा कि वाकई में बिहार में शराब बंदी है या चालू है। दारू बंद होने से शराब जो माफिया है, जो शराब का कारोबार करते हैं उसको फायदा है। दारू बंद होने से जो जो जिसके घर पे जो आज से जब तक दारू बंद नहीं था तो उसके पास फूस का घर था, जैसे दारू बंद होता है वो शराब के कारोबार में आते हैं और उसका 3 तल्ला बिल्डिंग बन जाता है। और ये सच्चाई है और बड़े पैमाने पे। अब मैं लोगों से यही सवाल करता हूँ कि अगर दारू सर चालू हो जाए तो फिर जो दारू का शराब माफिया है, जो दारू बेचता है, वो आदमी क्या काम कर? रियलिटी बता रहे हैं सर, वो आदमी कहाँ जाएगा? रोड पर आएगा। आपने देखा ये वीडियो कि आम पब्लिक का क्या कहना है कि दिखता कहीं नहीं है, बिकता हर जगह है और सभी दारू मतलब पहले से ज्यादा लोग पीने लगे हैं। भले 20 का 100 में मिलता है लेकिन पीने बहुत ज्यादा लोग लगे हैं। और रहा विधायक की बात, तो विधायक जी अब अगले साल, जैसे एक साल अभी चुनाव का बाकी है तो अगले साल ही विधायक जी नजर आएंगे। विधायक जी कहीं मतलब कोई नजर नहीं आने वाले हैं। सो आपने सुना, जो अभी शराब माफिया है, अगर बिहार में शराब खुलती है तो शराब माफिया रोड पे आ जाएंगे, ये आम पब्लिक को कहना था, आपने सुना है। विशेष आप लोगों का क्या राय कमेंट है, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप रीगा विधानसभा से देख रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 2025 में कौन जीतेगा रीगा से? फिर से मोतीलाल प्रसाद जीतेगा या फिर अमित सिंह टुन्ना जीतेगा? सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए रॉनी टाइम्स।